दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं गेट इंडिया डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 23 फरवरी 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी टॉप खबरों की, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टाटा आईपीएल 2023 के लिए बड़े खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट और वुमेन आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग हमें क्रिकेट से जुड़े हुए काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले अपडेट्स आज की तारीख में देखने को मिली है और इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाली हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही सीरीज को लेकर। जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट महामुकाबले ऑलरेडी यहां पर समाप्त हो चुके हैं। दोनों ही महामुकाबलों में टीम इंडिया ने रोमांचक अंदाज से जीत दर्ज करके फिलहाल इन 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अजेय लीड हासिल कर रखी है। इस सीरीज का 3रा टेस्ट महामुकाबला हमें 1 मार्च से 5 मार्च के बीच इंदौर के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। पहले वेन्यू धर्मशाला था लेकिन वेन्यू बदला गया है, अब इंदौर के स्टेडियम में हमें यह मैच देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों महामुकाबले की शुरुआत से पहले हरभजन सिंह ने मैच के रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। जी हां, उनकी स्टेटमेंट को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे, जहां पर उन्होंने ऐसा बोला कि इस दौरे पर भारतीय टीम वन साइडेड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, जिस तरह से पिछले दोनों ही महामुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। और भाई उन्होंने यहां पर ऐसी उम्मीदें जताई कि भाई यहां पर इस सीरीज में डेफिनेटली भारतीय टीम 4-0 से जीत हासिल करेगी और जिस तरह का परफॉर्मेंस यहां पर फिलहाल भारतीय टीम कर रही है उसको देखते हुए अगर यहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल इन्हीं सिचुएशन में 10 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलते हैं तो भाई यहां पर 10-0 से भारतीय टीम जीतेगी, ऐसा यहां पर टर्मिनेटर हरभजन सिंह का कहना है। लेकिन हरभजन सिंह के इस कमेंट के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर कल सीएसके की टीम ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की थी। सीएसके ने ऐसा कंफर्म कर दिया था कि आईपीएल 2023 के लिए इस टीम के बहुत ही शानदार तेज गेंदबाज दीपक चहर बिल्कुल 100% फिट हो चुके हैं और फर्स्ट महामुकाबले से ही प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर कल सीएसके के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर इस टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी, जी हां, बेन स्टोक्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। बेन स्टोक्स ने पहले ही ऐसा कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2023 के एंडिंग सेशन के लिए अंतिम महामुकाबलों के लिए वो सीएसके टीम को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते सीएसके की टीम यहां पर फिलहाल थोड़ी सी मुसीबत में जरूर फंस गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, आप सभी को पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2023 की नीलामी से पहले ही अपने प्रो कप्तान केन विलियमसन को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अभी तक यहां पर अपने नए कप्तान की अनाउंसमेंट नहीं की है। और टिल नाउ अभी जो लेटेस्ट अपडेट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि आज यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2023 के लिए अपने नए कप्तान की घोषणा करने वाली है। और जैसे ही हमें यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिलती है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2023 की टेलीकास्टिंग के रिगार्डिंग, जहां पर आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि अब के बारे में अपने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री में टाटा आईपीएल 2023 लाइव देखने को मिलने वाला है। जियो सिनेमा ऐप पर लाइव टेलीकास्टिंग होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहां पर बहुत ही बड़ी खबर सरप्राइज निकल कर आ रहा है सभी आईपीएल फैंस को लेकर। जो आईपीएल फैंस आईपीएल के महामुकाबलों को अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं जियो सिनेमा पर लाइव देखेंगे, उनके लिए यहां पर जियो ने कल एक अनाउंसमेंट किया, जहां पर वो फिलहाल आपके यहां पर अमिताभ बच्चन के साथ थोड़ा कॉन्टेक्ट में है, टाई अप में है और हमें केबीसी लाइव टूर्नामेंट, केबीसी लाइव क्विज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। आईपीएल के लाइव मैचेस के दौरान वहां पर सवाल पूछे जाएंगे, यदि आप सही जवाब देंगे तो आप वहां पर लाखों रुपए के इनाम भी जीत सकते हैं। फिलहाल यही क्लेम किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर जैसे हमें फाइनल अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है बीसीसीआई की डील को लेकर। जी हां, मैं यहां पर भारतीय टीम की जर्सी
की किट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर भाई आपको पता है कि पहले तो यहाँ पर किलर जींस कंपनी आपकी यहाँ पर आपकी जर्सी की टाइटल स्पॉन्सर थी, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर स्पॉन्सर बदल गए हैं। एडिडास ने यहाँ पर अब बीसीसीआई के साथ भारतीय टीम की जर्सी के साथ अपनी डील कर ली है और भाई हमें यहाँ पर आपकी जो अमाउंट उसके ऊपर फाइनल अपडेट तो देखने को नहीं मिला, लेकिन दोस्तों कुछ सोर्सेज यहाँ पर ऐसा क्लेम करेंगे आपको 70 लाख पर मैच यहाँ पर मिलने वाले हैं बीसीसीआई को यहाँ पर आपके एडिडास ब्रांड की तरफ से। खैर दोस्तों जैसे डील के रिगार्डिंग हमें फाइनल अपडेट देखने को मिलता है, फर्दर अपडेट देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है वुमेन प्रीमियर लीग 2023 को लेकर, जहां पर भाई सभी को बेसब्री से सीजन का इंतजार है, तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी है। 4 मार्च से सीजन का आगाज होगा, 26 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा भारत के 2 स्टेडियम में पूरा टूर्नामेंट होगा। यहां पर आपकी एक टीम है यूपी वॉरियर्स, और कल यहां पर यूपी वॉरियर्स की टीम ने अपने कप्तान की घोषणा कर दी, जहां पर उन्होंने अलाइशा हेल्दी को आईपीएल आपकी वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के लिए अपनी टीम का कप्तान बनाया गया। इससे भाई कुछ यहां पर निराश भी है आपके, यहां पर वो यूपी के फैंस ऐसा बोल रहे थे भाई वहां पर आपके मतलब किसी भारतीय खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों मैनेजमेंट ने यहां पर अलाइशा हेल्दी के साथ जाना पसंद किया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है सौरव गांगुली को लेकर, जी हां बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, सौरव गांगुली के ऊपर एक बायोपिक बनने के लिए जा रही है। जी हां, और वहां पर एक्टिंग करेंगे रणवीर सिंह। जी हां फाइनली कंफर्म, माफ कीजिए, रणवीर कपूर यहां पर एक्टिंग करने वाले हैं। कल यहां पर ऑफिशियल कंफर्मेशन हमें देखने को मिल चुका है, आने वाले कुछ टाइम में यहां पर उनकी मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे यहां पर शूटिंग स्टार्ट होती है जैसे हमें कोई फर्दर अपडेट सौरव गांगुली की तरफ से देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है पृथ्वी शाह को लेकर, जहां पर आपको पता है कि फिलहाल पृथ्वी शाह बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए, सपना गिल के साथ उनकी कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, तो उसके बाद भाई अलग अलग तरह के एलिगेशन हमें दोनों ही पार्टीज की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। पहले यहां पर पृथ्वी शाह ने सपना गिल के ऊपर अपने एलिगेशन लगाए थे और भाई सपना गिल जेल में चली गई थी, लेकिन फाइनल उनको बेल मिल चुकी है। उसके बाद भाई उन्होंने भी FIR रजिस्टर कराई, जहां पर भाई उन्होंने काफी सारे एलिगेशन पृथ्वी शाह के ऊपर लगाए हैं। खैर दोस्तों मामले की रिगार्डिंग हमें नेक्स्ट अपडेट देखने को है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपना चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों ये है आज 23 फरवरी 2023 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों का आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।